तो हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ HDFC के तरफ से CSC चालक जो भी है उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है। तो उन लोगों के लिए स्पेशल CSC वालों के लिए एक HDFC ने एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है जो छोटे स्मॉल बिजनेस करते हैं उन लोगों के लिए। तो इस क्रेडिट कार्ड में आपको बेनिफिट्स होने वाले हैं कि आप अगर छोटे मोटे बिजनेस आप कर रहे हैं, CSC चला रहे हैं, तो उसमें क्या है कि आपको UPI ट्रांजेक्शन मिलेगा उस क्रेडिट कार्ड में। आप एक मंथ के लिए आप उसे UPI करेंगे तो एक मंथ के लिए आपको उधार पैसा मिलेगा 30-45 दिनों के लिए। फिर उसे आप जैसे ही आपको पैसा होता है उसमें जमा कर दिया जाता है और उसमें कोई भी ट्रांजेक्शन का चार्ज नहीं लगने वाला है। तो ये CSC वालों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। और इस क्रेडिट कार्ड को पाने के लिए कैसे अप्लाई करना है ऑनलाइन, चलिए मैं करके दिखाता हूँ। अगर आप पहली बार है मेरे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि इसी तरह की टेक्निकल वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ और वीडियो के माध्यम से आपको नई नई जानकारी अपडेट देता रहता हूँ। तो साथ ही इस क्रेडिट कार्ड में एक और बहुत बड़ी फैसिलिटी है जो अदर क्रेडिट कार्ड में नहीं होता है। जैसा कि आप देखते हैं बहुत ज़्यादा परचेजिंग करते हैं तो आपको रिवॉर्ड्स पॉइंट दिए जाते हैं, तो इस क्रेडिट कार्ड में क्या है कि आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स की जगह पे जितने भी रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं उसका पैसा आप माइनस कर सकते हैं। आपने जो भी अमाउंट यूज़ किया है उसमें से आपका पैसा माइनस कर दिया जाएगा रिवॉर्ड पॉइंट्स की जगह पे। तो फाइनली हम इस पेज पे आ चुके हैं और ये पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहीं से जाके आप अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं इस लिंक को ओपन करके। तो हमें सिंपली यहाँ पे अपना पहले मोबाइल नंबर डालना है, गेट OTP पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे OTP सबमिट करने के बाद यहाँ कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको अपना नेम डालना है, मिडल नेम ना हो तो भी डाल सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ डालना है, मेल फीमेल सेलेक्ट करना है आपको, और आप जो भी करते हैं सैलरी है, अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो सैलरी कर सकते हैं, अगर आपका खुद का बिजनेस तो बिजनेस है तो सेल्फ एम्प्लॉयड कर सकते हैं। और उसके बाद योर डिस्टिनेशन, तो डिस्टिनेशन आपका क्या है, तो यहाँ पे आपको प्रोपराइटर सेलेक्ट कर देना है या लिख देना है, तो हमें प्रोपराइटर सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद ऊपर में अपना एक ईमेल एड्रेस डालना है, उसके बाद प्रॉपर एड्रेस टाइप कर देना है। अगर आप HDFC के पहले से कस्टमर है तो यहाँ पे यस कर पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ही सारा एड्रेस ले लेगा पहले वाले आधार से, अगर आपका लिंक होगा बैंक में तो। नहीं, अगर आपका आधार ऑटोमेटिक नहीं लेता है तो एड्रेस फिल करने के बाद चेक बेस्ट ऑफर पे क्लिक करना है, उसके बाद कुछ सेकंड वेट करना है तो कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं CSC क्रेडिट कार्ड का फुल नेम है स्मॉल बिजनेस मनी बैग। तो आप CSC को ही अप्लाई करेंगे, ज़्यादा बेटर होगा, इसमें कार्ड के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं आप किसी भी चीज़ की बिल पेमेंट करते हैं तो उस पर 5% कैशबैक मिलता है, और साथ ही सेटल क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग विथ रिवार्ड, मतलब आपका जो भी अगर आपने यूज़ किया है अमाउंट उसमें आपका जो रिवार्ड पॉइंट्स बनेगा उसमें से रिवार्ड पॉइंट्स का जो अमाउंट होगा वो उसमें से माइनस कर दिया जाएगा। तो ये सबसे अच्छी फैसिलिटी है, ये अदर बैंकों में नहीं होता है ये। तो उसके बाद हमें मोर पे क्लिक करना है और इसका डिटेल्स समझ लेना है क्रेडिट कार्ड का। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका 250 रुपये ज्वाइनिंग फ़ीस लगने वाला है मिनिमम, और उसके बाद साल में 25,000 रुपये का आप यूज़ कर लेते हैं तो उसका कोई भी चार्ज नहीं लगने वाला है ईयरली, और साथ ही दो बार जैसे ही ट्रांजेक्शन आप करते हैं तो 250 रुपये का वाउचर भी मिलेगा इसमें आपको। तो कुछ इस तरह का डिटेल्स है इसमें आपको। तो उसके बाद हमें आई हैव रीड द अंडरस्टैंड पे क्लिक करना है। इस कार्ड को पाने के लिए 250 रुपये बस आपको लगने वाले हैं। तो गाइस, इसी तरह की टेक्निकल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो ये आपके ऑफ़र में 3 तरह के कार्ड है तो आपको CSC वाला ही लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये देख सकते हैं इस कार्ड के 1,000 रुपये चार्जेस, लेकिन आपको टर्म एंड कंडीशन को आई कंफर्म करना है, उसके बाद गेट कार्ड पे क्लिक करना है,
गेट कार्ड पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा। फिर से आपको अपना नेम और एड्रेस फिल करना है, उसके बाद आइकन आई हैव रीड पे क्लिक करके सबमिट कर देना है। तो फिर उसके बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा। उसके बाद या डेबिट कार्ड हो या नेट बैंकिंग हो आपके पास, जो भी है उससे आपको अपने अकाउंट को कन्फर्म करना होता है। बस आपके आपका एक रुपये भी अकाउंट से कटने वाला नहीं है। इतना कर ये प्रोसेस जो दिया गया है, नेट बैंकिंग हो या डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड किसी भी चीज़ से आपको अटैच करना होता है अपने क्रेडिट कार्ड को। और इतना प्रोसेस करने के बाद एक रेफरेंस नंबर मिलेगा जो आपको रख लेना है स्क्रीनशॉट लेके, आपको इन फीचर्स ट्रैक करने के लिए स्टेटस देखने के लिए काम आएंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो चैनल पे अगर आप पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।